गाइस हमारी किरण ने आज बनाई है पानी पूरी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ इवनिंग में, बिकॉज मेरी सुबह से हालत ख़राब हो रखी है यार। उल्टी का जैसा मन, कुछ खाया नहीं और सिर में दर्द, पूछो मत भाई क्या हालत थी। तड़प रहा था मैं, सिर पे बांध लिया, दवाई ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन रुका नहीं सिर का दर्द और उल्टियाँ भाई खतरनाक। परसों का खाया हुआ भी निकल गया, इतनी बुरी हालत हुई थी सुबह से। तो मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिला नहीं, तो मैंने देखा आज इवनिंग में बनाते हैं ब्लॉग। और अभी मैंने आज नई टी शर्ट लेके आया था, बताना कैसी है, मैं आपको कांच में दिखाता हूँ। तो कैसी, ये देखो, ये देखो पीछे के प्रिंट वगैरह, ये पीछे का प्रिंट है, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरी टी शर्ट कैसी लगी। और आज हमसे मिलने आई हुई है हमारी मेरी बहन डाकू रानी चंपा कली आई है आज मेरे पास, है ये फोन देखती रहती है सारे दिन भर, पता नहीं ये फोन है कि गोदम है। देखिए बहन जी लग रही है, बिल्कुल बहन जी लग रही है डाकू रानी चंपा कली। और इसको ये इस नाम से केवल मैं ही पुकार सकता हूँ, दूसरे की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं कह सकता हूँ बस। तो यहाँ पे देख रही है बच्चा पार्टी टीवी। हाय बच्चा पड़ी, मम्मा क्या बना रही हो? देख ले तो खुश हो जाएगी आज। ये क्या बना रही है? वाह पताशी। तेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान तो वीडियो में। आज का पानी नहीं बनाओगी? तो ये बच्चों के लिए बना दिए मैंने पताशी, और मसाले के आलू बोल रहे हैं, तो बनने के बाद बताती हूँ। मत बच्चों खाने के बाद पूछूंगी कैसी बनी है। बहुत सुंदर सुंदर दिख रही है। बना लिया मैंने पताशी का पानी, ये देखो, ये बना लिया मैंने मसाला। और अब मम्मी को और एक मेहमान आए हैं जिनको पूछते थे कैसी बनी। गाइस हमारी किरण ने आज बनाई है पानी पूरी। ये बोले थे अपन पानी पूरी का बिजनेस कर ले, तो हम इस बिजनेस में कितना मुनाफा है या नहीं, इसलिए मेरे को टेस्ट कराइए। बोले मैंने बनाई है, आप बताओ कैसे लगे। पानी पूरी खा के बताऊंगा, वैसे तो मेरा मन नहीं है क्योंकि मेरे पेट में हो रही है गड़बड़, कैसे उल्टी के कारण दस्त नहीं हो रहा आप कहीं सोचो। अरे भैया क्या आपके दस्त ही सोचते रहते हैं क्या? तो मैं खा के बताता हूँ आपको मेरी हमारे यहाँ की पताशी बनी कैसी। खाली पेट ये डकारे आ रही है, गले तक उल्टी आ रही, बहुत बुरा हाल है गाइस सच्ची में। तो खाते पताशी और बताते हैं कैसी बनी ये पताशी। और करण ने अगर पताशी बनाने का वीडियो बनाया होगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा 100%। ये है पताशी, खा के दिखाता हूँ। बनी तो एक नंबर है, लेकिन जो ठेले वाले का स्वाद वैसा नहीं है, ये शायद उसकी है, किसकी है, कहीं की है, आटे की, तो आटे की तो नहीं है, है। इन्होंने है ना पताशी जो छोटे छोटे से दुकान पे मिलते हैं बने हुए, उसको तेल में तल के फ्राई करके मोटे मोटे फूल जाते पताशी, वो लेके आके बनाई हुई है, खुद से आटा गूंथ के नहीं बनाया। कहाँ खा रहा हूँ, मैंने दो पताशी खाई है सारी सी, ले जाओ मैं वैसे बना कर रहा हूँ। क्या खराब है? खाते जाओ और फिर भी मना कर दो। खाते जाओ और मना कर दो हैं? मेहनत से बनाने वाले इंसान की कोई कदर ही नहीं है। गाइस बुराई थोड़ी नहीं कि मैंने बोला, वैसा टेस्ट नहीं है इसका, टेस्ट थोड़ा सा अलग है। एक पोती लिखे दिया भाई, आई जसु पताशी बनाओ ले, आई जसु बनाए के थे गंदी मम्मी, गंदी मम्मी कौन पोती, ये अब देखो अब बताओ तक पताशी को शेक लगी मस्त लगी, मतलब पानी मसालों सब कुछ है दुकान के जो शान है। दुकान से भी बढ़िया बढ़िया लग गया, एक नंबर है। हाँ ताई देख लो, देख कतरी चौकी मनार तैयार रखी था भैया, हाँ खुश हो गया था मन, एक नंबर भी कम तो लंबर दे खुश हो गया ताई पता ही देख रहा है। मन बहुत दिन ना कैसे खाए, और भूख लग रही है? भूख तो कौन लग रही है, का? कैसी बनी थी पताशी? हाँ मजा आ गया, अब तो नहीं बोलेगी ना गंदी मम्मी।
आई जब से चिल्ला रही थी मेरे ऊपर। तो बोली तुम टीवी टीवी चिल्ला रहे थे ना रितिका, टीवी टीवी चिल्ला रहे थे ना, तो देखो तुम्हारे लिए मैं टीवी लेके आया हूँ। ये रहा तुम्हारे लिए टीवी। कौन सा टीवी है? टीवी है टेलीविजन। नंबर कौन सा टीवी, कैसे बताऊँ? एलजी या कुछ और। ऐसे पढ़ ले, नाम लिखा हुआ कहाँ? ये लिखा हुआ एसर। एसर दुकान से आया है? ऐसर दुकान कंट्री से नहीं आया बेटा। तो इसकी ओपनिंग करते हैं। वैसे तो क्या इसको ओपन बॉक्स डिलीवरी ली थी ताकि अंदर कुछ और ना निकले, तो खुल तो गया था। तो चुलबुल तू मोबाइल पकड़, मैं वीडियो बनाता हूँ। सही है। तो तब हम ओपनिंग कर ओपन कर रहे हैं। ये लो उसका रिमोट कंट्रोल, रिमोट जो इसका रिमोट है, लेकिन इस रिमोट को पहले की जैसे खराब मत कर रहे हैं हम। हाँ, खराब मत करना। अरे भुआ के घर पर भी ऐसा ही रिमोट है। ये है इसका ऊपर का हम निकालते हैं। टीवी निकालते हैं। निकालते? अब टीवी निकालते हैं। दोनों साइड से ओपन कर निकालो ना टीवी। अरे तो एक कवर में बंद है। अरे इसके नीचे का नहीं है, इसको लगाएंगे कैसे? हम लगाएंगे कैसे अभी बताता हूँ। ये है इसके नीचे के स्टैंड जिनके ऊपर ये खड़ा होगा। ऊपर ये खड़ा होगा? अच्छा ये खड़ा होगा, हम खड़े होते ही देखेंगे। टीवी पे अपन इसको जो टीवी हैंग होता है ना, अब देखते हैं कैसा निकलता है ये। तो ये रहा कैसा लगा आपको? कैसा लगा आप बताइए। नहीं बेटा रुको इसके ऊपर मत करो। तो गाइस ना, मैंने ये टीवी रहा इसलिए मंगाया। ऐसा कैसे मंगाया? क्योंकि जो मेरे को चीज चाहिए थी ना वो सब कुछ इसके अंदर है। जैसे फ्लावर पॉट देना, मोबाइल देना। तो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। तो टीवी कैसा लगा आपको, पता चले कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक अ नाइस स्लीप।